Oh शिट shit. Here we हियर वी go गो again. अगेन. सो इट्स लिटरली 7 months एंड 7 months के बाद यू गॉट अ न्यू एपिसोड ऑफ जीरो टू हीरो बिकॉज आई डोंट नो आई वॉज बिजी. मैं भूल गया था कि मैंने एक सीरीज चलाई हुई है एंड लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आर डिपेंड ऑन इट टू लर्न आफ्टर इफेक्ट बट पार्डन मी एंड दिस इज अ न्यू एपिसोड ऑफ जीरो टू आफ्टर इफेक्ट्स एंड आई एम लाइक जस्ट ट्राइंग टू कीप इट कंसिस्टेंट इस सीरीज को ज़्यादा कॉन्टेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो टूडे आई एम गोना टॉक अबाउट रोटोस्कोपिंग हाउ टू यूज इट हाउ कैन यू एक्सेस द टूल्स एंड कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आप रोटोस्कोपिंग में किक कर सकते हो लिटरली एंड या यू कैन ऑल्सो गेट क्लाइंट्स विद रोटोस्कोपिंग. अगर आप एक अच्छे रोटोस्कोप आर्टिस्ट हो तो आप क्लाइंट्स भी लेके आ सकते हो जो कि आप क्लाइंट्स आपको फुटेज देंगे एंड यू कैन जस्ट रोटोस्कोप इट. एंड एक बहुत बड़ा यहाँ पे मिथ भी क्लियर करने वाला हूँ दैट वट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटोस्कोपिंग एंड मास्किंग. दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन काम उनका सेम ही है. लेकिन यहाँ पे आज इस वीडियो में ये बात करेंगी कि विच इज बेटर. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू आफ्टर इफेक्ट्स. So here I am in Adobe After Effects 2022. मैं डिफॉल्ट 2019 यूज़ करता हूँ लेकिन सिर्फ रोटो ब्रशिंग के लिए मैं 2022 यूज़ करता हूँ. आपको बताऊँगा क्यों. ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी लेयर लेनी है, जो भी कॉम्पोजिशन जो वीडियो आपने लेनी है उसके ऊपर आपने करना है डबल क्लिक. नाउ यू आर इन द लेयर पैनल. यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर, दिस इज योर कॉम्पोजिशन पैनल, दिस इज योर लेयर पैनल. ओके, सो नाउ दिस राइट हेयर लाइक यू सी दिस द रोटो ब्रश. Click on it. This is the roto brush tool. Now you have to just create a rough outline around your subject. जी हाँ, ये ब्रूस बैनर जी की वीडियो यूज़ कर रहा हूँ मैं. आई जस्ट वेंट टू यूट्यूब एंड मैंने वहाँ पे लिखा रोटो प्रैक्टिस फुटेज एंड मेरे को ये मिल गई. एंड नाउ यू कैन सी आफ्टर इफेक्ट्स जस्ट क्रिएटेड अ मास्क अ मैट अकॉर्डिंगली. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक मैजिक वॉन्ड टूल जस्ट फॉर वीडियो. नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट एंड ड्रॉ एंड रिफाइन दिस फ्रेम, क्योंकि जो पहला फ्रेम होगा वो जितना ज़्यादा अच्छा रिफाइंड होगा बाकी सारी वीडियो की जो रोटोस्कोपिंग होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स विल टेक दिस फर्स्ट फ्रेम एज अ रेफरेंस टू फॉर अदर फ्रेम्स. नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी सिलेक्शन हुई, बाहर चल गया. जस्ट प्रेस ऑल्ट होल्ड ऑल्ट एंड डू दिस एंड जब बाय प्रेसिंग ऑल्ट यू कैन सब्ट्रैक्ट द मैट. And now you just double check कि आपकी जो selection है वो पूरी बढ़िया हो चुकी है कि नहीं. And it's like good, it's like super detailed, prescribed. क्योंकि ये जो selection है अगर अच्छी कर लोगे तो आपकी सारी वीडियो बड़ी अच्छी निकलने वाली है. And if you are satisfied with the result, satisfied with the mat, now for the hairs, for any type of feather, like कुछ भी दानेदार चीज़ होगी उसको आपने feather करने के लिए you just have to hold this right here. You go to refine edge tool. Okay, you go to refine this tool. Now you have to draw around the hairs. Draw this blue brush around the hairs just like I am doing. And just like hold it, draw it all the way along. And now you see it will create an inverted mask which will like get details and all the fibers through the threshold को कैलकुलेट करके ये आपके हेयर्स को निकालेगा. दिस इज अ वेरी वेरी गुड टूल. नाउ यू मेक श्योर कि आप आफ्टर इफेक्ट्स अगर 2022 यूज़ कर रहे हो यहाँ पे आपने वर्जन को 2.0 सेलेक्ट करना है. एंड नाउ जस्ट प्रेस स्पेस एंड जो आफ्टर इफेक्ट्स है आपके फ्रेम्स को कैलकुलेट करना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा. नाउ आफ्टर इफेक्ट्स ने प्रोसेस कर ली है सारी क्लिप. यू कैन सी दिस इज ऑल ग्रीन. जब अब ये पूरी ग्रीन हो जाए नाउ यू कैन क्लिक पेज अप और पेज डाउन टू चेक द मास्क. एंड यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे. यू लाइक अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे यू विल गेट टू द थ्रेशोल्ड व्यू. यहाँ पे आपको देख सकते हो कि आपको एक बहुत ही क्लीन मैट मिल गया है. इफ़ यू रिक्लिक इट विल जस्ट गिव यू विदाउट बैकग्राउंड लाइक कटआउट क्या निकला है आपका. यू कैन टर्न ऑन द ट्रांसपेरेंसी टू चेक द डिटेल्स. If you click on the red one, you will see a bright red background कि आपका mask कैसा दिख रहा है. And if you are happy with the results, just click on freeze and now it will bake the mask, like bake करेगा. And bake करने के बाद ये आपको एक PNG type format दे देगा. And let's wait. Now if you go back to composition, you can see it's just cutting out. And यहाँ पे कुछ options जो हैं ध्यान रखने वाले हैं जैसे कि feather. मैं हमेशा अपने फेदर को 10 पे सेट करता हूँ बिकॉज इट्स लाइक गुड. एंड यू हैव टू जस्ट टर्न ऑफ द डीकंटेमिनेट एज कलर्स ताकि आपके जो ये एजेस हैं ये फिक्स हो जाएं. नाउ यू शिफ्ट एज अगर आप इसको प्लस में लेके जाओगे तो ये बड़ा होगा. अगर इसको मैं 50 करता हूँ तो आप देख सकते हैं इट विल इंक्रीज द मास्क. अगर मैं इसको -50 करता हूँ इट विल डिक्रीज इट. ओके, सो इसको जितना माइनस करोगे उतना बढ़िया रहेगा बिकॉज जो आपकी वो रहेगी थोड़ी थोड़ी
थोड़ी थोड़ी इनपरफेक्शंस रहेंगी वो ठीक हो जाएंगी एंड नाउ यू कैन गो टू रिफाइन एज मैट. रिफाइन एज जो हमारे बालों का है वो है यहाँ पे, ज़्यादातर छेड़खानी करने की नहीं ज़रूरत होती बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स काफ़ी अच्छा ऑलरेडी देता है यहाँ पे हमको रिजल्ट. नाउ यू जस्ट हैव टू टर्न ऑन यूज मोशन ब्लर एंड बेसिकली आपका रोटो जो है वो हो गया है. एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ यहाँ पे. ओके तो ये मैंने बैकग्राउंड लगा दिया है एंड दिस इज बेसिकली क्या है ये बैकग्राउंड, दिस इज बेसिकली दिस एनवायरनमेंट बैकग्राउंड जहाँ पे बिजली बिजली चमक रही है. इसमें एक लाल कलर की क्लिप है जो कि मैं अभी ढूंढ रहा हूँ. देयर यू गो, ये वाली क्लिप. एंड आई एम जस्ट यूजिंग दी प्रोडक्शन क्रिएट लाइट रेज लाइट रैप प्लगइन. अगर आपको नहीं ये आपके पास नहीं है तो ये फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो. सबसे पहले तो हम अपनी जो रोटो फुटेज है उसको प्रीकम्पोज कर लेंगे लाइक दिस एंड इसके ऊपर क्रिएट लाइट रैप्स डाल देंगे. एंड यहाँ पे अगर मैं इसको ये चूज़ करूँगा यू कैन सी वी गॉट दिस इफेक्ट. एंड टू रियली मैच दी एम्बियंस ह्यू सैचुरेशन डालेंगे एंड सैचुरेशन को बढ़ा देंगे. एंड देयर यू गो रोटो करके जी हमने बैनर जी को जो है वो हमने हेलमेट डाल दिया है. एंड इफ़ यू प्ले दिस फुटेज, प्ले नहीं होती है काफ़ी, जो रोटो वाली फुटेज होती है वो काफ़ी हैवी होती है. सो अगर इफ़ योर पीसी कैन हैंडल आप उसको प्ले कर सकते हो, नहीं तो आप पहले क्या करो कि अपनी अपनी फुटेज को निकाल लो, देन यू कैन लाइक एडिट इट विद द VFX एंड ऑल द स्टफ. ठीक है एंड इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा करना चाहते हो, माई पीसी कैन समवट हैंडल दी रोटो फुटेज. तो आप देख सकते हो थोड़ी सी लैग होगी चलेगी, लेकिन उसको एक बार ही चलने देते हैं. एंड ब्रूस बैनर जी बिल्कुल मस्त खड़े हैं, अपने पीछे लाल रंग की बारिश हो रही है, चमक रही है थंडर. एंड मार्वल प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर VFX एंड ऑल द शिट, क्योंकि मैं एक पूरी आपकी मूवी अकेले ही संभाल सकता हूँ. जस्ट 2-3 crore रुपये लूँगा एंड दैट्स इट. लाइक या एंड लाइक पैसे बहुत हो गया, अब क्रिंज हो रहा है अभी. ठीक है, सो या लाइक दिस इज हाउ यू कैन यूज रोटोस्कोप टूल, प्रिटी ईजी. अभी डिपेंड करता है वीडियो पे, मैंने काफ़ी ज़्यादा बेसिक वीडियो ली थी जिसमें मैं लाइक वन क्लिक रोटो आप कह सकते हो मैंने इसमें कर दिया, लेकिन कई वीडियो होती हैं बहुत ज़्यादा कैडी, मतलब मज़ेदार, मतलब पूरी बल्ले बल्ले हो जाती है उसमें, लाइक ऐसे नाच रहे बंदे और फालतू उंगलियाँ उंगलियाँ दिख रही है, तो उसमें रोटोस्कोपिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. लेकिन हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है. जितना आप इसको टाइम ज़्यादा दोगे उतनी बढ़िया तरीके से आप इसको मास्क कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, इस ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है. मैं खुद काफ़ी ज़्यादा रोटोस्कोपी वाले क्लाइंट्स लेता हूँ, बट अभी मैंने कम कर दिया बिकॉज इट्स प्रेटी मच टाइम टेकिंग. अगर आपके पास टाइम है एंड यू आर विलिंग टू डू द रोटोस्कोपी एंड शर्ट एंड दिस स्टफ, यू कैन लाइक जस्ट रियली लर्न इट, मेक अ फाइवर और इंस्टाग्राम पेज अबाउट इट एंड ग्रैब क्लाइंट्स. या दैट्स हाउ यू कैन यूज रोटोस्कोपिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स. सो या दैट इज़ अप फॉर रोटोस्कोपिंग एंड आई होप आज के बाद आपको रोटोस्कोपिंग के बारे में अलग ट्यूटोरियल नहीं देखना पड़ेगा, बस सारी कन्फ्यूजन काफ़ी ख़त्म कर दी है मैंने. एंड या जितना आप ज़्यादा इसको टाइम दोगे उतना ज़्यादा अच्छा मास्क बनेगा, जितना ज़्यादा मतलब फ्रेम बाई फ्रेम इसको रिफाइन करोगे उतना अच्छा आप एक सब्जेक्ट को वीडियो के अंदर से निकाल सकते हो. इट्स प्रेटी ईजी एंड विद द आफ्टर इफेक्ट्स 2022 रोटोस्कोपिंग ब्रश 2.0 वर्जन ये और ज़्यादा बेटर हो गया है. एंड आई गेस आगे वाले टाइम में ऐसे होने वाला है कि यू कैन जस्ट रोटोस्कोप विद वन क्लिक. Who knows? Time mein aise hone wala ki you can. That's about today's video. Milta hu next video mein. Make sure to leave a like and subscribe. And milta hu next video mein. I'm late. Signing out.